हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज, उत्तराखंड स्टैटिक जीके का ये नेक्स्ट पार्ट है और आज हम जानेंगे उत्तराखंड की संस्कृति में उत्तराखंड के लोकगीतों के बारे में। ठीक हो गया, कौन कौन से ऐसे लोकगीत हैं जो कि अलग अलग अवसरों पर गाए जाते हैं, इसके बारे में जाएंगे। तो चलते हैं गाइज अपनी वीडियोज़ पे। अगर अभी तक अपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को गाइज, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो देखिए, उत्तराखंड की संस्कृति, जिसमें कि हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के लोकगीतों के बारे में। तो यहाँ से गाइज आपका 1 से लेकर 2 क्वेश्चन कन्फर्म रहेंगे ही रहेंगे। ठीक हो गया। तो देखिए, अगर मैं अपने क्वेश्चन की बात करूँ, जो संगीत कला है, लोकगीतों को हमने बांट दिया है अलग अलग पार्ट्स में। एक पार्ट में आ जाएगा आपका प्रेम या प्रणय गीत। ठीक हो गया, ऐसे गीत जो कि प्रेम या प्रणय से संबंधित होते हैं। फिर उसके बाद लौकिक लोक गाथा आ जाएगी दूसरे में। ठीक है, लौकिक लोक गाथा से आप सभी लोग जो हम पवाड़े कहते हो ना गाइज, आप वही है आपके। ठीक हो गया। तीसरा आपका क्या आ जाएगा, ऋतु गीत। जो ऋतु गीत मतलब अलग अलग ऋतुएँ जब आती हैं तो उनमें गाए जाने वाले गीत। बसंत ऋतु में कौन सा गीत गाया जाता है, बारिश आने पर कौन से गीत गाए जाते हैं। फिर अगला आ जाएगा आपका नृत्य गीत। ठीक हो गया, कुछ गीत ऐसे होते हैं जिसमें गीत गाने के साथ साथ क्या किया जाता है, नृत्य भी किया जाता है। अगला आ जाएगा आपका मांगल संस्कार गीत। ये गीत ऐसे गीत होते हैं जिनमें क्या, जो कोई जैसे शादी विवाह में गाए या कोई संस्कार जैसे जनेऊ में कोई गाने गाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं, वो इसके अंतर्गत आएंगे। अगला आ जाएगा आपका धार्मिक गीत। तो धार्मिक गीतों में गाइज आपके जो आपके जागर टाइप के हो जाएंगे वो आ जाएंगे। फिर आ जाएगा गाइज आपका जाति विशेष। ठीक हो गया, मतलब जो पर्टिकुलर कुछ गीत ऐसे हैं उत्तराखंड में जो किसी जाति के द्वारा गाए जाते हैं। ठीक है, और लास्ट आ जाएंगे आपके मनोरंजनात्मक गीत, ऐसे गीत जो मनोरंजन के लिए गाए जाते हैं। तो बढ़ते हैं, एक एक करके सभी के बारे में डिस्कस करते हैं गाइज। पहला आपका बनेगा चौफुला या प्रणय गीत। ठीक हो गया, चौफुला या प्रेम या प्रणय गीत। अब देखिए, प्रेम या प्रणय गीत कौन कौन से हैं, चौफला, झुमेलो, छोपती, छपेली, बाजूबंद, लामण और छूड़ा। ये सारे के सारे गीत ऐसे हैं जो कि प्रेम या प्रणय से संबंधित है। ठीक है, ये दाम्पत्य जीवन के प्रेम से संबंधित हो, मतलब जो दाम्पत्य जीवन है उसके बारे में सारे के सारे गीत क्या करते हैं, बताते हैं। आपसे क्वेश्चन कैसा बनता है, देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा, झुमेलो निम्न में से है, प्रेम गीत, ऋतु गीत। ठीक हो गया, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको याद रखना है, चौफला, झुमेलो, छोपती, छपेली, बाजूबंद, लामण और छूड़ा, ये सारे के सारे प्रेम या प्रणय गीत हैं। बढ़ते देखिए नेक्स्ट, अगर बात करें चौफला गीत, तो चौफला गीत क्या होता है, ये स्त्री पुरुष द्वारा सामूहिक रूप से गाया जाता है। इसमें प्रेम और मिलन गीत होता है ये। ठीक है, जो प्रेमी और प्रेमिका होते हैं मतलब स्त्री पुरुष, उनके मिलन का क्या होता है, गीत। ये नृत्य प्रधान गीत है, ये गाने के साथ साथ इसमें क्या किया जाता है गाइस, डांस किया जाता है, तो ये याद रखिएगा। अब और गीतों की बात करूँ गाइस, तो देखिए और आ जाएगा आपका कृष्ण संबंधी गाने गाए जाते हैं, जैसे रुक्मणी हरण के, कृष्ण कोकिला, चंद्रावली हरण, ये सारे के सारे हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, पौराणिक लोक गाथाएं, जिनको कि आप क्या बोलते हैं, जागर भी बोलते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है आपका राजूला मालूसाई हो गया, जीतू बगड़वाल, फ्यूली, ठीक हो गया, सरू, जसी, कुमैण, कुसुमा, कोलिण, गंगनाथ, अर्जुन, वासुदत्ता। नाम ही से आपको पता चल गया होगा ये क्या होते हैं, पवाड़े होते हैं। ठीक हो गया, पवाड़े मतलब क्या होता है गाइस, जो पुराने टाइम पे वीर गाथाएं होती हैं। ठीक है, एक टाइप की मतलब। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं गाइज, तो नेक्स्ट आ जाएगा आपका ऋतु गीत। अब समझिए ऋतु गीत कौन कौन से होते हैं, जैसे होली हो गया, बासंती हो गए, चैती, चौमासा, बारहमासा, खुदैड़, फूलदेई, झुमेलो, उसके बाद माघ गीत, श्रावण गीत और लाली, ये सारे के सारे हमारे किसके अंतर्गत आ जाते हैं, ऋतु गीत के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका नृत्य गीत का। तो नृत्य गीत कौन कौन से हैं, माघ गीत, जैसे माघ गीत आपने देखा होगा ऊपर भी था, तो ये ऋतु गीत तो है ही, साथ में ये क्या है, नृत्य, मतलब इसमें नृत्य भी किया जाता है। तांडी हो गया, चाचार हो गया, चौंफला हो गया, छोपती, जैसे हमने पढ़ा था छोपती प्रणय गीत था ना, साथ में नृत्य गीत भी है, थड़िया, झोड़ा, बैर गीत, ये सारे के सारे आपके नृत्य गीत के पार्ट हैं।
अभी मैं आपको पूरा एक पहले पैटर्न बता रहा हूँ, उसके बाद इनमें से जो मेन मेन नृत्य होंगे गाइज उसके बारे में भी आपको डिस्क्राइब करूँगा, ठीक है। अगला आ जाएगा आपका मांगल या संस्कार गीत। तो जैसे जन्म हो गया, छठी हो गया, नामकरण या चूड़ा कर्म, उपनयन, उपनयन संस्कार जिसे जनेऊ कहते हो आप, विवाह आदि के अवसर पर क्या किए जाते हैं, गाए जाते हैं। तो ऐसे गाने क्या होंगे, मांगल या संस्कार गीत। फिर बढ़ते हैं अगले आ जाएंगे गाइज आपके धार्मिक गीत। तो धार्मिक गीत में जैसे जागर हो गया आपका, तंत्र मंत्र वाले हो गए, ठीक है, यक्ष नाग गीत, रखवाली, भूत भैरव, प्रभात गीत और संध्या गीत। इम्पोर्टेंट है, आपसे बोलेगा प्रभात गीत और संध्या गीत क्या है, तो ये क्या है, एक टाइप के धार्मिक गीत हैं। फिर आपका आ जाएगा लौकिक लोक गाथाएं, जिसे कि आप क्या बोलते हैं, पवाड़े कहते हैं, ठीक है। तो पिछले मैंने पवाड़े के बारे में बता दिया था, उनमें से दो प्रमुख याद रखिएगा, ऊदी और कैंत्यूरा। ऊदी और कैंत्यूरा जो है ये आपके क्या है, प्रमुख पवाड़े हैं, ठीक हो गया। अगर बात करें गाइज जो अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका जाति विशेष के गीत। कुछ उत्तराखंड में ऐसे गीत भी हैं जो स्पेशली किसी जाति के द्वारा गाए जाते हैं, ठीक है, जैसे बाजगियों, बद्दियों, नाथ जोगियों, औजियों, ठीक हो गया, या विरुदावली, ठीक हो गया, कौन से वाले, कुलचारी गीत। कुलचारी को क्या बोलते हैं गाइज, जो औजियों होते हैं ना, ये कुलचारी या विरुदावली गीत होते हैं, या दसौलियाँ, ये सारे के सारे गीत क्या होते हैं, किसी जाति विशेष के द्वारा गाए जाते हैं। फिर है आपका मनोरंजनात्मक गीत। तो भांटा सांटा, पहली बात तो भांटा सांटा क्या है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन बनता है, तो याद रखिएगा भांटा सांटा एक प्रकार का मनोरंजनात्मक गीत है। फिर लोरी हो गया और हास्य व्यंग, ये सभी क्या है गाइज, हमारे मनोरंजनात्मक गीत हैं। अब बात कर लेते हैं प्रमुख लोक गीतों के बारे में, ठीक है। ऊपर मैंने आपको पूरा बता दिया कौन सा गीत किस प्रकार का है, अब उनमें से जो प्रमुख हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो पहला गीत आता है आपका बासंती गीत। अब बासंती गीत में क्या होता है, देखिए ये गढ़वाल क्षेत्र में गाया जाता है। कब गाया जाता है, बसंत के आगमन पर, जब आपकी बसंत ऋतु आती है गाइज, उस टाइम पे क्या किया जाता है, गाया जाता है। इसमें क्या होती हैं, जो किशोरियाँ होती हैं वो फ्यूली के फूलों को एकत्रित करती हैं। तो एक क्वेश्चन क्या बनेगा, फ्यूली क्या है, तो याद रखिएगा फ्यूली एक टाइप का फ्लावर है, फूल है, ठीक है। तो फिर उसके बाद जब इसे इकट्ठा किया जाता है तो वो घर घर जाकर देहली पूजा करती हैं, ठीक हो गया। देहली को पूजा जाता है बसंत पंचमी के दिन, और द्वारों पर चावल के पीठे से चित्र बनाए जाते हैं, ठीक हो गया। तो ये याद रखिएगा, इतना हो गया बासंती गीत। नेक्स्ट है आपका बाजूबंद गीत, बाजूबंद नृत्य, ठीक है। पहला क्वेश्चन यही बन जाएगा, देखिए जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाजूबंद निम्न में से क्या है, ऑप्शन दे देगा आपको, एक टाइप का नृत्य, ठीक है, गीत है, वाद्य यंत्र है, पोशाक है, इस टाइप से आपको दे देगा। तो याद रखिएगा बाजूबंद क्या है, होता है एक नृत्य गीत होता है। रवाई जौनपुर में सबसे ज़्यादा यूज होता है, मतलब गाया जाता है, और यह एक टाइप का प्रणय संवाद नृत्य गीत है। किस टाइप का गीत है गाइज, ये प्रणय संवाद नृत्य गीत। इसे गाइज क्या किया जाता है, याद रखना, जंगलों में पेड़ के नीचे बैठकर गाया जाता है। कहाँ पर गाया जाता है, इसे जंगलों में, जैसे होता है ना, बुरांस के पेड़ हो गए, बांज के पेड़ हो गए, काफल और चीड़, या फिर देवदार कह लो, इन पेड़ों के नीचे इसे बैठ के गाया जाता है। इसका दूसरा नाम है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछ सकता है इसे, दूड़ा नृत्य गीत, ठीक है, दूड़ा नृत्य गीत भी इसे कहा जाता है। या पेपर में कैसे बन सकता है क्वेश्चन, देखिए, निम्न में से कौन सा नृत्य दूड़ा नृत्य गीत है, आपको ऑप्शन दे देगा क्या, बाजूबंद, होरी गीत, बासंती गीत, और कौन सा, झुमेलो। तो याद रखिएगा दूड़ा नृत्य गीत क्या होता है, बाजूबंद नृत्य गीत होता है। नेक्स्ट है आपका खुदेड़ गीत, ठीक हो गया। तो खुदेड़ भी एक टाइप का क्या है, गीत है, एक क्वेश्चन तो यही बन गया। ये प्राचीन समय में, देखो ये क्वेश्चन ऐसे क्यों बन सकता है ना, क्योंकि खुदेड़ कोई सोचेगा नहीं कि ये एक टाइप का क्या है, गीत है, तो इस टाइप से वो दे देता है UK SSC। तो खुदेड़ एक टाइप का गाना है, प्राचीन समय में गढ़वाल में मायके की याद में गाए जाने वाला गीत। तो होता क्या था, देखिए गाइज, पहले गढ़वाल में लड़कियों की जो शादी होती थी वो क्या हो जाती थी, बचपन में ही हो जाती थी। तो ससुराल में क्या होता था, अब जब जो वो बच्चियां छोटी होती थी तो उन्हें अपने मायके की याद आती थी, तो मायके की याद में वो गाना गाती थी, और उस गाने को ही क्या बोला जाता है, खुदेड़ गीत बोला जाता था। तो क्वेश्चन अगर बने, इनमें से कौन सा गाना मायके की याद में गाया जाने वाला गाना है, तो क्या हो जाएगा आपका, खुदेड़ गीत हो जाएगा, ठीक हो गया।
नेक्स्ट की बात करें गाइज, तो नेक्स्ट नृत्य हो जाएगा आपका, देखिए वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है गाइज तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर। इसी के साथ गाइज साथ में मॉर्निंग में आपको हिंदी की वीडियोस दी जाती है, ठीक है, जिसमें हम वर्ण कर चुके हैं पूरे। उसके बाद आपका इतिहास के MCQs हो चुके हैं हिंदी इतिहास के, और अभी आपका संज्ञा और सर्वनाम ये दोनों वीडियोस करंट में ख़त्म हो चुकी हैं। नेक्स्ट पार्ट उसका विशेषण का आएगा, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चैनल की देख सकते हैं। अगला है आपका गाइज झुमेलो गीत, ठीक हो गया। सबसे पहली बात कहाँ पर है, गढ़वाल में प्रसिद्ध है झुमेलो गीत, ये वेदना और प्रेम का प्रतीक है, ठीक हो गया। नारी हृदय की वेदना व सौंदर्य का उल्लेख, ये जो गीत है गाने हैं झुमेलो गीत में, इसमें क्या किया जाता है, नारी हृदय की वेदना और सौंदर्य का उल्लेख मिलता है। बसंत पंचमी से विषुवत संक्रांति तक ये क्या किए जाते हैं, गाए जाते हैं। तो ऐसा कौन सा गाना है जो बसंत पंचमी से विषुवत संक्रांति तक गाया जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, झुमेलो गीत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट गाना है गाइज आपका कूलाचर या विरुदावली गीत, ठीक हो गया। कौन सा, कूलाचार या विरुदावली। अब देखो ये जो गाना है ये राज्य में औजी और बद्दी जाति के लोगों द्वारा गाए जाते हैं। हमने एक टाइप क्या पढ़ा था, जाति विशेष के गीत पढ़ा था ना, तो कुलचारी, ठीक है, कुलाचार या विरुदावली उनमें से एक गाना है। कौन सी जनजाति के द्वारा गाया जाता है, तो याद रखिएगा औजी और बद्दी जाति के लोगों के द्वारा। ये क्या करते हैं गाइज, जो इनके यजमान होते हैं ब्राह्मण या क्षत्रिय, उनके घरों में जाते हैं मांगलिक अवसरों पर, और वहाँ पर फिर ये क्या करते हैं, गाने गाते हैं, ठीक है। और इन गानों में क्या होता है, जैसे जिस भी जाति के वहाँ जाएंगे ना, तो उनके वंशों का गुणगान किया जाता है इन गानों में, ठीक है। तो अगला हो जाएगा आपका चैती पसार गीत, ठीक है, ये भी बद्दी और औजी जाति के द्वारा अपने यजमानों के घर पर गाया जाता है। इस नृत्य में क्या होता है, जो औजियों की बीबियाँ होती हैं, ठीक है, जो वाइफ्स होती हैं उनकी, वो नृत्य करती हैं स्त्रियाँ, और जो पुरुष होते हैं वो गाना गाते हैं, किसमें, चैती प्रसार गीत में, ठीक हो गया। ये भी एक टाइप का क्या है आपका, जाति विशेष गीत है। नेक्स्ट है आपका गाइत चौमासा गीत, तो चौमासा नाम से ही है, किसमें गाया जाता है, ये चौमास में, मतलब कि वर्षा ऋतु में गाया जाता है, ठीक है। अधिक वर्षा एवं प्रिय मिलन की आस रहती है, ये जो गाने होते हैं इनमें क्या रहता है, अधिक वर्षा एवं प्रिय मिलन की आस वाले गाने हैं, और साथ में इनमें क्या रहती है, विरह की भावना दृष्टिगोचर होती है। तो इतना याद रखिएगा किसमें, चौमासा गीत में। नेक्स्ट है गाइज बारहमासा, एक हो गया चौमासा, अगला क्या आ जाएगा आपका, बारहमासा। तो देखो नाम ही से है बारहमासा, मतलब बारह मासों का उल्लेख होता है इन गानों में। कहाँ पर प्रसिद्ध है ये, गढ़वाल क्षेत्र में हमारा प्रसिद्ध है। विरहणी स्त्रियों के द्वारा ये क्या किया जाता है, गाया जाता है, ठीक हो गया। और इसमें क्या होता है, जैसे बारह ऋतुओं के लक्षणों के, जैसे होता है ना कि कौन सा मौसम है, कौन कौन से फूल उगते हैं इसमें, इस टाइम पे कैसा प्राकृतिक सौंदर्य रहता है, इसके बारे में उल्लेख किया जाता है। कौन से गाने में, बारहमासा में। तो अगर क्वेश्चन आपका ये बने, इनमें से कौन सा गाना ऐसा है जिसमें बारह महीनों के लक्षणों के बारे में बताया गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बारहमासा। नेक्स्ट है गाइज आपका पट गीत, ठीक हो गया। कौन सा गीत, ये अगर दिख नहीं रहा है तो ये है पट गीत। ये क्या होते हैं, उपदेशात्मक गीत होते हैं, मतलब जिसमें किसी को उपदेश देने हो, इस टाइप के गाने जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पट गीत होते हैं। तो एक ये भी बन सकता है, पट का मतलब क्या होता है, उपदेश से संबंधित है एक टाइप से, ठीक है, ये बोल सकते हो आप। नेक्स्ट है आपका चूरा गीत, ठीक है, चूरा भी, देखो पट क्या है, चूरा क्या है, अगर ये क्वेश्चन पूछे ना तो आप, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इस वीडियो को देखने के बाद, ये सारे के सारे किस कैटेगरी में है, आपके नृत्य वाली कैटेगरी में है, ठीक, सॉरी नृत्य वाले नहीं, गाने वाली, सिंगिंग वाले में है। वृद्ध भेड़ और चरवाहों द्वारा गाया जाता है, मतलब आपने सुना होगा चरवाहे होते हैं हमारे, ठीक है, वो क्या करते हैं, जो बूढ़े चरवाहे होते हैं वो गाते हैं, किसके लिए, ताकि जो नौजवान चरवाहे हैं उनको क्या करने के लिए, गाइज उनके लिए गाते हैं, मतलब उनको सीख देने के लिए गाए जाते हैं। तो चरवाहों का गाना कौन सा है, ये अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा चूरा, चौसे चरवाहा चौसे चूरा, ऐसे भी आप क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट गाना आ जाएगा आपका छोपती गीत, कौन सा गीत गाइज, छोपती गीत। कौन से स्थान में फेमस है, तो रवाई जौनपुर में ये सबसे ज़्यादा क्या है, फेमस है। इसमें संयोग श्रृंगार, जिसके की कहा जाता है प्रिय मिलन, ठीक हो गया, इससे संबंधित गाना है ये, प्रिया मिलन,
पिया मिलन से संबंधित। ये हो गया कौन सा हमारा छोपती, कहाँ पर है रवाई जौनपुर पर, इतना याद रखिएगा ठीक है। और ये गाइज समूह में गाया जाने वाला है, किस में गाया जाता है ये समूह में गाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट गाना आ जाएगा हमारा छपेली गीत, कौन सा आ गया गाइज छपेली ठीक है। तो पहला क्वेश्चन छपेली होता क्या है, देखो ये क्या किया जाता है इसमें एक व्यक्ति तो हुड़का बजाता है और वही व्यक्ति गाता है, जो व्यक्ति हुड़का बजाएगा वही क्या करेगा गाना गाएगा, और जो दूसरा व्यक्ति होगा वो आपका क्या करेगा डांस करेगा। तो ये एक टाइप का क्या बोल सकते हो इसे नृत्य गीत भी बोल सकते हो ठीक हो गया, क्योंकि गाया भी जा रहा है और क्या किया जा रहा है इसमें डांस भी हो रहा है। अगला होता है जागर गीत, तो जागर गीत क्या होता है इसमें इसके गायक को जागरिया कहा जाता है, जो जागर को गाता है उसे क्या कहा जाता है जागरिया। एक क्वेश्चन तो यही बन गया। होता क्या है जैसे लोक गाथाएँ होती है जिनका संबंध हमारे पौराणिक व्यक्तियों या देवताओं से होता है वो जागर कहलाते हैं, आपने सुना होगा ना गंगनाथ जी की गोलजू की ये सब कथा, ये क्या है जागर के थ्रू ही हमारे क्या की जाती है बताई जाती है। तो जैसे धार्मिक अनुष्ठान हो गया आपका तंत्र मंत्र या पूजा हो गया, देवताओं की पौराणिक व्यक्तियों को आह्वान मतलब उनको बुलाना उनको सम्मान में जो गाया जाता है वही आपका जागर गीत होता है। अगर फेमस जागर की बात करूँ जो उत्तराखंड में है जैसे पांडव हो गया कौरव ठीक हो गया नरसिंह भैरवनाथ गोलू कालादेव गणदेवी गंगनाथ और मलयनाथ, ये टाइप के आपके क्या हैं गाइजिए जागर के टाइप है अलग अलग जागर से ठीक हो गया। इनको गाते समय याद रखिएगा जो अगला पॉइंट है फेम ये पूछा भी गया है, जब जागर गाया जाता है इसमें हुड़की और थाली बजाई जाती है ठीक हो गया, या फिर ढोल ढमामा बजाया जाता है, मेन फेमस क्या है हुड़की और थाली, ये तो क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका आ जाएगा झोड़ा गीत ठीक हो गया। तो झोड़ा गीत कहाँ पर गाया जाता है गाइज, सबसे पहले तो झोड़ा गीत गाया जाता है कुमाऊँ में ठीक है, कब माघ महीने में, और यह एक टाइप का समूह नृत्य गीत है ठीक है। कुमाऊँ का गीत है झोड़ा, माघ के महीने में गाया जाता है और समूह नृत्य गीत है स्त्री पुरुष। अच्छा अगला है आपका क्या चाँचरी, चाँचरी को क्या कहा जाता है भौनी भी कहा जाता है, तो भौनी किस नृत्य का नाम है भौनी किस डांस का नाम है बोले तो याद रखिएगा ये भी एक क्या है चाँचरी, ये भी आपका क्या बनेगा एक नृत्य गीत है एक टाइप का, मतलब इसमें गाना भी गाया जाता है और नृत्य भी होता है ठीक है। गढ़वाल क्षेत्र में फेमस है और ये स्त्री और कुमाऊँ गढ़वाल के मध्य क्षेत्र में, जैसे ये आपका अगर मैप की बात करूँ ये रीजन गढ़वाल का आ जाएगा ये कुमाऊँ का आ जाएगा, इसका जो मध्य क्षेत्र है यहाँ पर ये फेमस है ठीक हो गया। स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा ये क्या किया जाता है गाया या डांस किया जाता है इसमें। नेक्स्ट है गाइज आपका भगनौल गीत ठीक हो गया। सबसे पहली बात गाया कहाँ पर जाता है कुमाऊँ का ये गाना है ठीक है, ज़्यादातर कुमाऊँ में फेमस है। अनुभूति प्रधान गीत है, अब अनुभूति प्रधान का मतलब क्या है इसमें प्रेम की प्रधानता रहती है ठीक है। ये जो गाना है ये स्त्री के मन की कल्पना करते हुए उसके मधुर एहसास को उसके प्रेमी के द्वारा जैसे मेले हो गए ना हुड़के एवं नगाड़े की धुन पर नृत्य के साथ गाया जाता है, कौन सा गाना भगनौल गीत। दूसरा न्योली, तो न्योली सुनी होंगी आपने ये भी कुमाऊँ में ज़्यादातर फेमस है और ये भी क्या है एक टाइप की अनुभूति प्रधान गाने हैं। फिर हैं आपके गाइज पवाड़ा या भड़ौ गीत, तो पवाड़ा को ही भड़ौ कहा जाता है। देखिए पवाड़ा जो है क्या है वीरों के जीवन से संबंधित गीत हैं, कुमाऊँ में इस चीज़ को भड़ौ या कटकू कहा जाता है और गढ़वाल में ही उसी चीज़ को क्या कहा जाता है पवाड़ा कहा जाता है, बस इतना सा अंतर है ठीक है। पवाड़ा जो है गढ़वाल में और कुमाऊँ में वही चीज़ मतलब वीरों की जो वीर गाथाएं हैं एक टाइप से कह सकते हो ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ये बने वीरों की वीर गाथाओं को गढ़वाल में क्या बोला जाता है तो पवाड़े, कुमाऊँ में क्या बोला जाता है तो भड़ौ या कटकू ठीक हो गया। इसी से एक रिलेटेड वर्ड भी है आई थिंक भड़, उत्तराखंड में किससे रिलेटेड, तो भड़ क्या होता है वीर से संबंधित होता है ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा गाइज आपका थड़िया गीत या थड़िया नृत्य भी जिसे आप कहते हो ठीक है। ये क्या है सामूहिक है, सामूहिक रूप से गाया या नृत्य किया जाता है इसमें किसके द्वारा स्त्रियों के द्वारा। उसके बाद गाइज है आपका नेक्स्ट ठुल खेल गीत ठीक हो गया। तो ठुल खेल गीत में क्या होता है ये गीत कुमाऊँ क्षेत्र में पुरुषों द्वारा कृष्ण अष्टमी के आसपास क्या किया जाता है गाया जाता है, इसमें प्रायः होता क्या है राम और कृष्ण संबंधी प्रेम प्रसंग गाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका बैर गीत,
तो बैर गीत क्या है, कुमाऊं का एक तर्क प्रधान नृत्य गीत है। ठीक है, तर्क प्रधान का मतलब क्या होता है, दो लोग होंगे वो एक दूसरे से आपस में तर्क करेंगे, ठीक है, तर्क वितर्क करेंगे, और किसके माध्यम में, गाने के माध्यम में किया जाता है। तो ऐसा कौन सा गीत है जो तर्क से संबंधित है, तो आपका आंसर हो जाएगा बैर गीत। ठीक हो गया। तो जब ये प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, नृत्य गीत में आयोजन में क्या होते हैं, दो गायक होते हैं, वो तार्किक वाद विवाद करते हैं। ठीक हो गया। और जो कुशाग्र बुद्धि वाला बैरिया होता है वो अपना पक्ष मजबूती से रखता है। तो एक चीज़ यहाँ पर आएगी, बैरिया क्या होता है, तो याद रखिएगा जो प्रतिभागी होते हैं ना इस गाने में, इस प्रतियोगिता में, उन्हें बैरिया कहा जाता है। ठीक हो गया। और जो उसमें क्या होगा, अच्छा प्रतिद्वंदी होगा, वो दूसरे पर हावी हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। लास्ट बढ़ जाए आ जाएगा आपका हुड़की बोल गीत। तो हुड़की बोल गीत क्या होता है गाइज, कुमाऊं का है, और ये किससे संबंधित है, कृषि से संबंधित है। कृषि में भी याद रखिएगा, खरीफ की जब फसल होती है तब। ठीक हो गया। तो ये क्या होता है, इसमें जो गाना गाता है गाइज, वो एक गायक विशेष वेशभूषा पहनते हैं, और खेतों में लोग क्या करते हैं, जैसे खेत में कुछ भी धान रुपाई हो रही होगी या कुछ भी काम हो रहा होगा, तो उस टाइम पे क्या करेंगे, एक बार वो जो विशेष वेशभूषा में होगा वो हुड़की बजा के ये गाना गाएगा, और दूसरी बार फिर जो खेत में काम कर रहे होते हैं उन लोगों के द्वारा इसको क्या किया जाता है, रिपीट किया जाता है। तो ये हो गया हमारा हुड़की बोल गीत। तो इतना हो गया गाइज, इससे बाहर आपका लोकगीत में कुछ नहीं होगा। जितने लोकगीत थे मैंने सारे के सारे कवर अप कर लिए हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है गाइज, इसके नोट्स जब पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी ये वाली सीरीज़, तो मैं एक साथ पूरी दे दूंगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में। तो नोट्स के लिए मत ज़्यादा परेशान मत होइएगा। ग्रुप है, मैं बता देता हूँ, नंबर 8218642689, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, कोई भी आपको डिटेल्स चाहिए या कोई भी नोट्स से रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम हो। सेकेंड थिंग, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को, जो कि उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब नाम से है व्हाट्सएप पे, उसे लाइक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको गाइज डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किए जाते हैं मॉर्निंग में। ठीक हो गया। और साथ में आपकी 5 to 10 क्वेश्चन MCQ के डेली उसमें डाले जाते हैं, वो हिंदी से, हिस्ट्री से, किसी से भी रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने अगर वो ज्वाइन नहीं किया है तो सर्च कर सकते हैं उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब। तो गाइज ये थी वीडियो। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स, हैव अ गुड डे।